Hello everyone. I hope you all are well in this lockdown. Today we are going to discuss one of the very important topic of law of torts, that is trespass to land and goods. In this video we will discuss about trespass to land, trespass ab initio, license, okay, definitions, remedies. Then we will discuss trespass to goods, continue, and its conclusion. So let's start from trespass to land. So what is trespass to land? It means interfere with the possession of land without lawful justification. Okay, so किसी भी land में trespass का actually meaning है घुसपैठ करना किसी भी land में, यानी कि movable कोई भी property, कोई भी land में अगर कोई without permission और without license अगर अनवांटेड इंटरफेरेंस करते हैं, अनलॉफुल इंटरफेरेंस करते हैं, तो उसको ट्रेसपास बोला जाता है और उस पर कोई भी लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है. लॉफुल जस्टिफिकेशन मीन्स क्या, मतलब कि मिस्टेकिंगली नहीं हो सकता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं हो सकता है और कोई भी नेसेसिटी नहीं हो सकता है. उसके एग्जाम्पल्स हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीके से हम लॉफुल जस्टिफिकेशन को डिफाइन करेंगे. तो जब कोई भी प्रॉपर्टी में ओनर के परमिशन के बिना अगर कोई घुसपैठ करता है और उसके पास कोई भी लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं होता है, तो इट इज कॉल्ड ट्रेसपास टू लैंड. द इंटरफेरेंस विद द पोजीशन ऑफ लैंड इज डायरेक्ट एंड थ्रू टैंजिबल ऑब्जेक्ट. इफ द इंटरफेरेंस इज नॉट द डायरेक्ट और कॉन्सिक्वेंशियल, द रॉन्ग मे बी न्यूसेंस. एक चीज हमें ध्यान देना है कि ट्रेसपास में हमेशा डायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है. जो भी अनलॉफुल और मतलब इलीगल इंटरफेरेंस होता है वो डायरेक्ट होना चाहिए और टैंजिबल ऑब्जेक्ट के थ्रू, यानी कि या तो पर्सनली बाय बॉडी अगर घुसपैठ करते हैं और अदरवाइज ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट लाइक स्टोन और वाटर और कुछ भी गैस हो, तो वो एटलीस्ट एंट्री होना चाहिए. ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली नहीं होना चाहिए. इनडायरेक्टली मीन्स जो इनटैंजिबल है, लाइक साउंड. अगर बाहर से अगर कोई साउंड या वाइब्रेशन आता है तो वो इनटैंजिबल है और इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस हो रहा है, तो उसको हम न्यूसेंस कह सकते हैं, बट दिस इज नॉट ट्रेसपास. ओके, टू थ्रो स्टोन्स अपन वन्स नेबर्स प्रिमाइज इज अ रॉन्ग ऑफ ट्रेसपास. तो स्टोन क्या है? दिस इज अ टैंजिबल ऑब्जेक्ट. सो अगर हम किसी के घर में विदाउट परमिशन एंट्री नहीं करते हैं, लेकिन हम उनके घर में कोई भी हमारे नेबर हो या कोई भी ऐसा पर्सन हो जिसके घर में अगर हम लोग स्टोन्स फेंकते हैं विदाउट परमिशन, ऑब्वियसली स्टोन फेंकने के लिए कोई भी परमिशन नहीं देगा. अगर विदाउट परमिशन हम किसी भी इस तरीके का हरकतें करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रेसपास का टॉर्ट बोला जाता है, टॉर्टस एक्ट है. ट्रेसपास कुड बी कमिटेड ईदर बाय पर्सन हिमसेल्फ एंटरिंग द लैंड ऑफ अनदर पर्सन or doing the same through some material object. So trespass himself, person khud bhi jaake entry kar sakte hain aur otherwise aisa bhi kar sakte hain ki khud entry na karke kuch water ho ya stone ho ya powder ho, matlab kuch bhi smelly powder, kuch bhi ho sakta hai. Agar dusron ke land mein agar hum log entry kara dete hain to usko trespass kaha ja sakta hai. If a person who is allowed to sit in a drawing room enters the bedroom without any justification, the entry into bedroom is a trespass. देखो, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने अपने घर में एंट्री दे दिया, किसी को परमिशन दे दिया, बट मैंने सिर्फ ड्रॉइंग रूम तक ही परमिशन दिया है, मैंने बेडरूम या किसी और रूम में जाने के लिए परमिशन नहीं दिया. लेकिन अगर उसके अलावा कोई भी जो भी जहाँ के लिए परमिशन और लाइसेंस मिला हुआ है, उसके अलावा वो कहीं भी जाते हैं विदाउट परमिशन या विदाउट एनी जस्टिफिकेशन अगर वो एंट्री करते हैं, तो दैट विल बी अमाउंट टू ट्रेसपास. ओके, नेक्स्ट, ट्रेसपास एब इनिशियो. एब इनिशियो इज अ लैटिन मैक्सिम, इट मींस इटसेल्फ. ठीक है, ट्रेसपास इटसेल्फ. तो इसमें हम क्या देखते हैं? व्हेन अ पर्सन enters certain premises under the authority of some law, after having entered there, abuses that authority by committing some wrongful act there, he will be considered to be trespasser ab initio to that property. In order that the entry of a person to certain premises is treated as trespass ab initio, non-feasance, omission to do act, is not enough. It is necessary that defendant must be guilty of positive act of misfeasance, doing a wrongful act. देखो,
यहाँ पे दो कंसेप्ट है, वन इज मिसफीजेंस एंड नॉन फीजेंस. मिसफीजेंस तब होता है जब कोई भी एक्ट को किया जाता है, कमिट किया जाता है, कोई भी रॉन्गफुल एक्ट को जब करा जाता है तो उसको मिसफीजेंस बोला जाता है, ठीक है. एंड नॉन फीजेंस मीन्स व्हेन वी आर ओट टू डू बट वी डोंट डू, ठीक है, ओमिशन टू डू. हम लोग कुछ भी काम हमारा ड्यूटी है या कुछ भी हमें करना चाहिए था बट हमने नहीं किया, तो वहां पे होता है नॉन फीजेंस. और मिसफीजेंस इज कि जो हमें नहीं करना चाहिए था वो हमने कर दिया, वो है मिसफीजेंस, ठीक है. तो ट्रेसपास एब इनिशियो में ये कहते हैं कि जब भी कोई पर्सन दूसरों के लैंड में एंट्री करते हैं विदाउट एनी ऑथोरिटी और विदाउट एनी पर्सन विदाउट लाइसेंस और परमिशन, दैट वुड बी अमाउंट टू ट्रेसपास. और ट्रेसपास में जरूरी नहीं है कि आप वहां जाके कोई भी रॉन्गफुल एक्ट करो, क्योंकि ट्रेसपासिंग करना खुद ही बाई इटसेल्फ अ टॉर्ट. ये ट्रेसपास करना ही एक मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग ये क्या होता है, एक टॉर्ट है, रॉन्गफुल एक्ट है. एक केस है यहाँ पे, सिक्स कारपेंटर्स केस. यहाँ पे देखो क्या हुआ था केस में. इन दिस केस सिक्स कारपेंटर्स एंटर्ड एन इन एंड ऑर्डर सम वाइन एंड ब्रेड. तो छह कारपेंटर क्या करते हैं, एक इन में जाते हैं, एक रेस्टोरेंट टाइप है, वहां पे जाते हैं, वहां पे कुछ वाइन और ब्रेड ऑर्डर करते हैं. आफ्टर हैविंग टेकन द सेम दे रिफ्यूज टू पे फॉर दैट. They had done no act of misfeasance and mere non-payment being only feasance. There was held to be no trespass ab initio. यहाँ पे वो क्या करते हैं, वाइन और ब्रेड खाने के बाद वो पे करने के लिए मना करते हैं. तो यहाँ पे क्या है, misfeasance नहीं है, यानी कि उन्होंने कुछ wrongful act नहीं किया है. उन्होंने जो एंट्री किया था, इनमें जो एंट्री किया था उसमें उन्होंने कोई भी ट्रेसपास नहीं किया था, यानी कि ट्रेसपास एब इनिशियो नहीं हुआ था. उन्होंने क्योंकि वो एक इन है तो वहां पे मतलब वो एक इनडायरेक्टली इम्प्लाइडली वो क्या करते हैं, कस्टमर्स को वहां पे वेलकम कर रहे हैं. अगर कोई वहां पे आ रहे हैं, इसका मतलब है हम लोग जब भी कोई शॉप में जाते हैं तो हमें परमिशन लेके नहीं जाना होता है, वो एंट्री करते हैं डायरेक्ट. तो यानी कि उसमें एक इम्प्लाइडली, क्योंकि शॉप ओपन है तो इम्प्लाइडली कस्टमर्स को वेलकम किया जा रहा है, तो उसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि आपने ट्रेसपासिंग किया है. एंट्री विद अ लाइसेंस, तब हम नहीं कह सकते हैं कि ये ट्रेसपासिंग है, जब हमारे पास लाइसेंस होता है. एंट्रिंग सर्टेन प्रीमाइसेस विद द अथॉरिटी ऑफ अ पर्सन इन पोजीशन अमाउंट टू अ लाइसेंस and defendant can't be made liable for trespass. After the license is revoked, the licensee becomes the trespasser of land and must quit that place within a certain time, reasonable time. देखो, अगर हमारे पास किसी particular place में जाने के लिए authority दिया हुआ है या permission दिया हुआ है, तो यानी कि हमें उस place में जाने के लिए permission है, license है, ठीक है. एक एग्जाम्पल मैं इसमें दे रही हूँ, जैसे कि मान लो कि मेरे घर में कोई सर्वेंट, मैंने मेड सर्वेंट रखा है और मैंने ये ऑथोरिटी उसको दिया है कि उसके पास मेरे घर का चाबी रहेगा. मैं जब अपने घर में नहीं रहूंगी, मैं अगर मॉर्निंग में निकल जाती हूँ जॉब के लिए, तो अगर मैंने उसको ये परमिशन दिया है कि वो मेरे घर पे आके काम करके उस चाबी से ताला खोल कर मेरे घर पे वो काम करके जा सकती है, यानी कि मैंने उसको टाइम मतलब इस परमिशन, मैंने उसको लाइसेंस दिया है कि वो मेरे घर के अंदर आ सकती है चाबी यूज करके. लेकिन बाय चांस मान लो कि मैंने उसको 1 month या 2 month का मैंने परमिशन दिया है कि हाँ इतना टाइम तक 31 July तक सिर्फ वो आ सकती है मेरे घर में और काम करके जा सकती है. लेकिन 31 July तक क्या है, उसके पास परमिशन है. अगर मैंने इस टाइम के बीच में अगर बोल दिया कि उसने ट्रेसपासिंग किया है क्योंकि उसने हर रोज मेरे से परमिशन नहीं मांगा, दैट इज नॉट अ ट्रेसपास, ठीक है, केस ऑफ ट्रेसपास, क्योंकि मैंने उसको उतना टाइम पीरियड के लिए 31 July तक के लिए मैंने उसको लाइसेंस दिया है. तो हर रोज उसको परमिशन लेने की या ऑथोरिटी मेरे से परमिशन मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है. लेकिन अगर जितना मैंने टाइम दिया है उतना रीजनेबल टाइम के बाद भी, यानी कि अगर 1 August को भी अगर वो आ जाती है और एंट्री करते मेरे घर पे, देन इट विल अमाउंट टू ट्रेसपास. ओके, और लाइसेंस भी 2 kinds के है. 1 इज बेयर लाइसेंस and second one is a license coupled with a grant. Okay, a bare license can be revoked, whereas a license which is coupled with a grant cannot be revoked. In certain cases, it is possible that a licensor by any terms of contract express
or implied may agree that even a bare license will not also be revoked. It means bare license को किसी भी time पे revoke किया जा सकता है, मतलब खत्म किया जा सकता है, लेकिन जिस लाइसेंस में ग्रांट भी कपल्ड है, उसके साथ मिला हुआ है कोई भी पर्टिकुलर परमिशन और ग्रांट, उसको कभी भी मन चाहे तो रिवोक नहीं कर सकता है। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि अगर लाइसेंसर और लाइसेंसी के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें अगर एक्सप्रेसली ये और इम्प्लाइडली ये बताया गया है और दोनों ने एग्री किया है, तो बेयर लाइसेंस को भी ऐसे बनाया जा सकता है कि कभी भी रिवोक नहीं किया जाएगा जब तक कॉन्ट्रैक्ट है या जब तक टाइम पीरियड है, तो बीच में बेयर लाइसेंस को रिवोक नहीं किया जा सकता है। वो तभी होगा जब कॉन्ट्रैक्ट में दोनों ने, लाइसेंसर और लाइसेंसी दोनों ने अगर एग्री किया है तो। अब मैं एक चीज और बता देती हूँ, लाइसेंसर और लाइसेंसी किसको कहते हैं। लाइसेंसर मींस जो लाइसेंस दे रहा है, परमिशन दे रहा है, दैट इज लाइसेंसर। एंड जिसके पास लाइसेंस मिल रहा है या ग्रांट मिल रहा है या कोई भी परमिशन मिल रहा है, उसको कहते हैं लाइसेंसी। ओके, तो लाइसेंस के अंदर एक केस हम लोग देख लेते हैं, बूथ वर्सेस लीड बीटर का। यहाँ पे क्या हुआ था, देखो मैं एक बार रीड कर लेती हूँ फिर मैं समझा दूंगी। द प्लेंटिव हैविंग परचेस्ड अ टिकट वेंट टू सी अ हॉर्स रेस एंड द डिफेंडेंट्स वर द ऑक्यूपायर्स ऑफ द रेस कोर्स। तो यहाँ पे देखो जो प्लेंटिव है उसने हॉर्स रेस कोर्स को देखने के लिए टिकट लिया था, और डिफेंडेंट कौन है, डिफेंडेंट है जो रेस कोर्स के ऑक्यूपायर्स हैं, यानी कि जो ओनर है हम कह सकते हैं वन वर्ड में। While the races were still going on, the defendants asked the plaintiff to leave the premises. And on his refusal to comply with that, he was forcibly ejected by the defendant's servants. तो यहाँ पे क्या हुआ, जब रेस चल रहा था, रेस जब खत्म नहीं हुआ था, बीच में ही डिफेंडेंट ने, यानी कि जो ओनर है, उन्होंने जिन्होंने टिकट खरीद के देख रहे थे, उनको बोला, plaintiff को बोला कि आप प्रिमाइस छोड़ के चले जाओ। जब स्टील वहां पे रेस चल रहा था उसी वक्त डिफेंडेंट ने बोल दिया उन्होंने कि आपको जाना है यहाँ से छोड़ के, सो छोड़ के, तो प्लेंटिव ने मना कर दिया। प्लेंटिव ने बोला मुझे नहीं जाना है, मैं शो खत्म करने के बाद ही जाऊंगी। तो उस टाइम क्या हुआ, डिफेंडेंट के सर्वेंट, ऑब्वियसली डिफेंडेंट ओनर है, वो खुद नहीं आए, उन्होंने सर्वेंट भेज दिया, और सर्वेंट ने क्या किया, फोर्सिबली जबरदस्ती प्लेंटिव को वहां से भगा दिया। प्लेंटिव ने क्या किया, क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती भगाया, तो प्लेंटिव ने एक असॉल्ट का केस डाला। इट वॉज हेल्ड दैट रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस वॉज इफेक्चुअल एंड आफ्टर दैट रिवोकेशन ऑफ द लाइसेंस द प्लेंटिव हैड बिकम द ट्रेसपासर एंड इजेक्शन ऑफ हिम आउट ऑफ द प्रीमाइसेस वॉज नॉट एन एक्शनेबल रॉन्ग। तो प्लेंटिव ने असॉल्ट का केस डाला था, लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि क्योंकि लाइसेंस रिवोक कर दिया था लाइसेंसर ने, ऑब्वियसली जो ओनर है उन्होंने टिकट के थ्रू क्या किया, प्लेंटिव को लाइसेंस दिया कि आप हमारे यहाँ पे प्रीमाइसेस में आके रेस देख सकते हैं। लेकिन बीच में अगर डिफेंडेंट ने, यानी कि ओनर ने अगर इस लाइसेंस को रिवोक करते हैं, तो रिवोक करने के बाद भी अगर प्लेंटिव वहां पे बैठे थे या वहां पे एंट्री करके रह गए थे, तो दैट इज अमाउंट टू ट्रेसपास। और उन ट्रेसपासर को अगर इजेक्शन करा रहे हैं, मतलब अगर उनको भगा रहे हैं, वहां से जाने के लिए बोल रहे हैं, तो दैट इज नॉट एक्शनेबल रॉन्ग, ये कोर्ट ने बताया था। तो ट्रेसपास के, ट्रेसपास टू लैंड में क्या क्या रेमेडीज हैं हम देख लेंगे। नंबर वन इज री एंट्री। इफ अ पर्सन्स पोजीशन हैड बीन डिस्टर्ब्ड बाय अ ट्रेसपासर, ही हैज अ राइट टू यूज रीजनेबल फोर्स to get a trespass detected. A person who is being thus entitled to immediate possession use reasonable force and regains the possession himself and can't be sued for trespass. इसका मतलब अगर कोई भी person immediate possession में है, देखो एक चीज मैं और inform कर देती हूँ, trespass हमेशा possession के against wrong है, ownership के against wrong नहीं है। जैसे कि अगर हम कोई भी रूम रेंट पे लेकर रहते हैं, तो अगर हमारे रूम में हमारा अगर जो फ्लैट ओनर और अपार्टमेंट ओनर या हाउस ओनर अगर आ जाते हैं और उनका ये अगर कहना होता है कि वी आर द ओनर, तो हम कभी भी एंट्री कर सकते हैं, दैट इज नॉट मतलब लीगल, ठीक है, वो भी ट्रेसपास माना जाएगा, क्योंकि
इमीडिएट पोजीशन में अभी रेंट ही है, तो जो इमीडिएट पोजीशन में है उसी का प्रॉपर्टी माना जाएगा फॉर द ट्रेसपास ओनली। तो ट्रेसपासर क्या है, पोजीशन के अगेंस्ट रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्या है, देखो बाई चांस किसी भी पर्सन के पोजीशन में अगर कोई भी ट्रेसपासर इंटरफेयर करता है या डिस्टर्ब करता है, तो वहां पे उनके पास राइट है उस पर्सन को वैकेट कराने के लिए, यानी कि वहां से भगाने के लिए, जाने के लिए वो बोल सकते हैं या फोर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाई चांस मानो कि वो पर्सन वहां जो भी पोजिशन में पहले थे और ट्रेसपासर ने डिस्टर्ब कर लिया और वो चले गए, तो जब दोबारे से वो पोजीशन में जो पहले थे वो अगर री एंट्री करते हैं, दैट इज लीगल, और उनके पास राइट है कि वो अपना पोजीशन दोबारे से रीगेन कर ले, दोबारे से उनको मिल जाए, और उसके लिए उनको ट्रेसपास में कोई भी सू नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी पोजीशन में थे और उनको ट्रेसपासिंग करके डिस्टर्ब किया गया था और इंटरफेयर किया गया था, तो वो दोबारे से री एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड रेमेडी इज सूट फॉर डैमेजेस। अ स्पीडी रेमेडी टू अ पर्सन हु हैज बीन disposed of immovable property otherwise than in due course of law. Suit for damages under section 6 of Specific Relief Act, which states that a person who is disposed forcibly from immovable property can suit in time period of 6 months. So suit for damages में क्या है कि obviously जब re-entry तो है ही, कि by chance मानो re-entry में ये कहते हैं कि by chance disturb करके अगर डिस्टर्बेंस की वजह से या इंटरफेरेंस की वजह से अगर जो इमीडिएट पोजीशन में है अगर वो चले गए तो वो वापस एंट्री कर सकते हैं, दैट इज अ रेमेडी। एंड सेकंड वन क्या है कि हम कोर्ट में जाके सूट फाइल कर सकते हैं ट्रेसपास अंडर, एंड आल्सो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर सेक्शन 6 में भी हम लोग केस फाइल कर सकते हैं। द थर्ड वन इज एक्शन फॉर मेंस प्रॉफिट। द पर्सन हु इज डिस्पोज्ड फोर्सिबली कैन क्लेम फॉर कंपनसेशन फॉर द लॉस he or she had suffered during the period of disposition. An action to recover such compensation is known as an action mens profit. देखो अगर कोई भी person को जो already position में है, उनको by trespass यानी कि by disturbance and interference अगर उनको dispossession कर दिया जाता है, यानी कि उनको अपने property अपने ही property को enjoy नहीं करने दिया जाता है, तो वो क्या claim कर सकते हैं court में जब वो case file करेंगे या sue करेंगे, तो वो क्या कंपेंसेशन में वो अपना जो भी लॉस हुआ है अपने डिस्पोजिशन होने की वजह से, यानी कि जितने भी टाइम पीरियड के लिए वो अपने प्रॉपर्टी को ठीक तरीके से एंजॉय नहीं कर पाया और उसके वजह से जो भी उनको मनीटरी लॉस हो या जो भी मेंटल हैरेसमेंट और जो कुछ भी उनको लॉस हुआ है वो उसको कंपेंसेट कराने के लिए एक्शन ले सकते हैं। फोर्थ वन इज डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट। देखो मैंने जब बोला था कि डायरेक्टली कोई भी टैंजिबल ऑब्जेक्ट से, यानी कि बाय हिमसेल्फ और बाय वाटर और बाय एनी पाउडर और एनी स्टोन हो या कोई भी कैटल लाइक कुछ भी एनिमल्स हो, जैसे अगर हेन डॉग शीप कुछ भी एनिमल्स को भी अगर हम दूसरे के प्रॉपर्टी में एंट्री करा देते हैं और लैंड उनके लैंड में अगर कोई भी डैमेज क्रिएट करते हैं वो, तो वो भी ट्रेसपास है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है, जो भी पर्सन पोजीशन में है उनके पास राइट है, वो अथॉरिटी है उनके पास, कि अगर बाय चांस कोई भी कैटल या चैटल से उनके प्रॉपर्टी में डैमेज हुआ है तो उसको डिटेन कर सकते हैं और जब तक कंपेंसेशन नहीं मिलता है तब तक उस डिटेनमेंट पे वो रख सकते हैं दैट पर्टिकुलर कैटल और चैटल्स को। सो दैट इज trespass to property जो आज हमने कर लिया है। In the next video we will discuss about the trespass to goods. Okay? I hope that you have enjoyed the video. Thank you.